वो मिसेस पावा और भगत सर की देन है। तो उनके शुक्रगुजार हूँ, सभी टीचर का थैंक यू करती हूँ। बस लाइफ में एक चीज मेरे को लगती है कि हमें क्या करना है, चलते जाना है, चलते जाना है। फकीरा चल चला चल, बस यही है। सुनके तेरी पुकार संग चलने को खाइए। मेरा नाम अमित पाल को फ्रॉम 85-88 है, फ्रॉम आर्किटेक्चर सिस्टर से ते आई एम डूइंग जॉब एट चंडीगढ़। मैं बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने सानू ते बुलाया, बहुत थोड़ा मान किया है। ते मैं भी मिसेस पावा एंड भगत सर, थैंक यू फॉर थैंक यू सारे बच्चों ने मिसेस पावा के लिए जोरदार तालियां बजा दो। कारण सारे मिसेस पावा की स्टूडेंट है, सर्दी का स्टूडेंट कोई भी नहीं है। such a platform because of help of all the minis who have overcome over here, and they have made a change. They have made a change. Everybody has contributed for the success of this function, I tell you. I am grateful to everybody. Chatta sir, Kapoor sir, Rajesh Sharma, Madam Gurvinder, everybody has contributed. I am request principal sir. I am request principal. आपके मन में आया और टेक्निक लेवल पे कभी इस देश में एलुमनी मीट नहीं सोचा गया, तो आई एम रियली थैंकफुल ऑफ यू कि आपने सोचा एक और इसको सक्सेसफुल किया। इसको सक्सेसफुल प्रिंसिपल सर इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर इट एंड ही इज एंड आई एम ऑनरेबल प्रिंसिपल सर मैडम पावर एंड ऑल द कोऑर्डिनेटर मिस्टर रोडा सर का सीआर रोडा का बहुत थैंकफुल हूं। इनसे मैंने इस प्रोटेक्टिंग करने के बाद सीखा, ये मेरे गुरु थे। यहां पर लोगों ने बहुत काम भी किया, साथ साथ शाखाएं भी लगाई हैं और योगा भी किया है। नार के नार मैं बड़ा बहुत मेरे मिला मैं लास्ट ईयर उनसे, आई थिंक 1987 के बाद में लास्ट फर्स्ट टाइम जब मिला तो पहचान भी नहीं पाई, बल्कि बहुत हमारा टाइम लगा समझने समझाने में एक दूसरे की हाँ कौन है और अल्टीमेटली हम नाइस करके एक दूसरे को। आई एम रियली थैंकफुल, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर, मतलब मन गदगद है। थैंक यू।
शशि भूषण 88 बैच वर्किंग एट द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द पंजाब बिफोर इंडिपेंडेंस. I am heading two departments in that company. The name of the company is GNA Enterprises Limited. I am heading purchase department, commercial head, and PPC, production planning and control. Thanks to Orissa and Principal Sir, जिन्होंने ये event शुरू किया last year से. हमने 4 साल पहले कोशिश करी थी और सोचा था कि शायद ये कॉलेज ऑर्गेनाइज करे एंड वी आर हियर एंड क्लैप फॉर देम प्लीज क्लैप फॉर ओरिजिनल एंड प्रिंसिपल सर सर इंक्लूडिंग माय टीम दे हैव वर्क इन बैकग्राउंड आल्सो यू ऑल एंड माय टीम ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स थैंक यू सर थैंक यू सर ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स हैव वर्क इन लॉट मैडम सोनल पवार एज ए कोऑर्डिनेटर मिस्टर राजीव सप्रा मिस्टर जे शर्मा ऑल आर इन माय टीम एंड दे हैव कोऑर्डिनेटेड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी और जैसे कि आरएसएल का जिक्र 73 ऑनवर्ड्स हो रहा है तो मैं भी आरएसएल का जिक्र इस ग्रुप में जरूर करूंगा मेरे को मौका मिला था एक बार इनके साथ जाने का हम लोग वॉलीबॉल खेलने गए थे सुंदरनगर तो हमारा जो ग्रुप था वो सोच रहा था कि यार यहाँ से हार के ना फटाफट मनाली चलते यहाँ तो हार रही है हमने आगे जाना तो किसी की हिम्मत नहीं थी आने सर को कि सर जल्दी करो तो हमने प्लान कर लिया कि हमने ना फर्स्ट मैच हार के वहां जाना मनाली तो जब वो हारे तो बाहर आए तो सर पता क्या बोले तो जल्दी चलो यार मनाली चलते और फिर हम मनाली गए और सबने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो जरूर लगाए हैं मैं कहूंगा हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला सिटी का नारा लगाते गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला सिटी जिंदाबाद थैंक यू मैं बीच में रोक रहा हूँ अभी मैडम पावा का नाम लिया गया भगत सर का नाम लिया गया तो वी हैव हियर द फर्स्ट लेडी ऑफ चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मैडम भगत तो अप्लॉज प्लीज आई एम अ स्टूडेंट एज वेल 85 आर्किटेक्चर डूइंग माय रनिंग माय एकेडमी फॉर JEE इन नागा बेसिकली प्रिपेयर फॉर सिलेक्शन एंड सैटरडे इन चंडीगढ़ मैं सबसे लास्ट में आऊंगा पहले अपने बाकी साथियों को माइक दूंगा आप सर हो गए Respected principal and all seniors and juniors, मैं अमित मल्होत्रा 86-89 बैच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई एम वर्किंग एज ए प्लांट हेड इन सूर्या फिल्म कंपनी एंड आई हैव 26 ईयर्स एक्सपीरियंस इन विच फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स आई एम वर्किंग एज ए प्लांट हेड और ऑपरेशन है तो अभी मेरे साथियों ने बहुत कुछ कहा यहाँ पे कुछ बातें बहुत सच हैं जो आजकल लोग हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं या जो स्टूडेंट्स प्रेजेंटली आ रहे हैं हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए उनकी टेक्निकल नो हाउ जो GPA ने हमें हमारे टाइम पे दी है वो नहीं है ये बिल्कुल सच है जो GPA ने हमें पढ़ाया है या हमें सिखाया है उस समय या कोई भी जो भी इंस्टीट्यूट मुकाबला नहीं कर सकते GPA की एज ए डिप्लोमा होल्डर जो उन्होंने नॉलेज हमें दी है थैंक्स फॉर दिस उनकी इन हेल्प से उनकी इन हमें हमारे अंदर जो उन्होंने टेक्निकल नो हाउ दी है उस वजह से आज हम इंडस्ट्रीज के अंदर कामयाब बने हैं थैंक यू वंस अगेन हाँ जी रवीन दत्ता 88 बैच तो सिमित से था मैं एडिशनल SDO PWD एंड बोलिंग
सोनीपत में मैं अपॉइंटेड हूँ और तो अभी मेरी शर्मा जी से बात हो रही थी, राजेश शर्मा जी से, हमारे सीनियर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने ना 4 साल में डिप्लोमा किया, कि मैं चाहता था डिग्री करना लेकिन मेरे को डिप्लोमे में एडमिशन मिला, लेकिन मैं चाहता था कि 4 साल में पढ़ूं। अभी वो बैठा मैं यहीं पे, तो मैंने 6 साल में किया था, मैंने तो एमटेक भी कर लिया। और खास तौर पे पावा मैम है यहाँ पे, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर मैं कहीं जाऊँगा मैं कहूँ कि भाई मेरी सिस्टर है, छोटी भी हो सकती है, 1 साल जैसे थे वैसे की वैसे है मैम, मैं आपके सेहत से काफी हो सकता हूँ, और ये जो एलुमनी की जो हर साल जो चल रही है आगे भी भरपूर अच्छे ढंग से हो। थैंक यू। सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जितने भी न्यू स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, कम से कम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखें अपना। मैंने नीरो खेड़ी में 1989 में 6.2 मीटर लॉन्ग जंप मार के ट्रॉफी लाकर दी थी बाला पॉलिटेक्निक को, इंटर पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स में ट्रॉफी उस टाइम आई थी जब मैं यहाँ पे बेस्ट सीट था। तो मैं आज सबसे स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लें। बाकी सब ठीक ठाक है, मेरी तरफ से सब ठीक। इनकी बात का उत्तर मैं एक जोक के साथ दूंगा। नो ओके। वो एक मैं ऐसे गुड़गांव अड्डे पे खड़ा हुआ था अंबाला आने के लिए, तो मैंने कंडक्टर साहब से टिकट लिया, भाई अंबाला जाएगी? कहते जी जाएगी। मैं किराया कितना है? कह रहे जी 220 रुपये। मैं कह लो भाई टिकट काट दे। टिकट काट के बस में बैठ गया। फिर मुझे डाउट हुआ यार कहीं मैं गलत बस में तो नहीं बैठ गया। मैं बाहर आके देखा बोर्ड पे लिखा था नोएडा गुड़गांव। मैं दोबारा कंडक्टर के पास आया, मैं कहा भाई अंबाला जाएगी? कहते जी जाएगी। मैं कहा यार बोर्ड में तो गुड़गांव नोएडा लिखा है, कह रहा तने बस में बैठ के जाना है कि बोर्ड में बैठ के जाना है? तो भाई साहब मुझसे रखी है उनकी मौज। ओके। एक वही है ना कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल ने मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल ने मिला मुझे। तो कोई बात नहीं, हर शेर को सवा शेर मिलता है, तो हर शेर को मिल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाटिया जी, भाटिया जी मैकेनिकल, क्या बात है। प्रिंसिपल साहब, ओरी साहब, भाटिया साहब, मैडम सोनी पावा सर, करोड़ा जी, सब लोग, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर, सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। हरविंदर सिंह भाटिया, 1985-88 मकैनिकल। मेरे पिताजी भी प्रोफेसर सी इतने सीनियर लैक्चरर रिटायर थे, मिस्टर अगस्त भाटिया सिविल सर का काफ़ी सारे मैं अजकल उन्होंने कोल ही रह रहा, अज भी उन्होंने मैं पूरा जिते भी मैं कोई तकलीफ आती है जिंदगी उन्होंने गाइडेंस ही मैं अगे लग जाता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि
मैं 88 तो पास आउट किया और जितनी जगह भी इंटरव्यू दी है चाहे मेरे कंपीटिटर्स कॉलेज से ही नाल थापर से या जालंधर तो या जितों भी आते थे पर जो मैं कहना सी मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला तो आया तो एक एज जहाँ मिलता से मैं और कॉन्फिडेंस जहाँ बिल्डअप रहता से मेरे कि मैं इन्हों क्रॉस करके सिलेक्ट होकर दिखाना और तुम बिलीव करो जिथे भी गए हैं सिलेक्ट होकर ही आए हैं वापस नहीं आए जिथे भी गए हैं घंटे कई बार लंच तो बाद होना तो नींद भी आ जानी बैठे बैठे सो जाना फिर मैं याद संधु सर से इस टाइम वो इस दुनिया नहीं है तो उन्होंने चार चकना सीधा मारना हरविंदर तू भी सो रहा आज शाम तेरे पापा की शिकायत लगाऊंगा तो मैं बड़ा अजीब जहा लगना कि हाँ जी मेरी शिकायत ना ला दे मैं थोड़ा डर के रहना पर उस टाइम चीज़ा सानू समझ नहीं सी होंगे उम्र ऐसी सी पर जो अभी बाहर निकल के देखा दुनियादारी पे तो साढ़े जो सानू टीचर ने पढ़ाया डिसिप्लिन वो साढ़े चीज़ा बहुत काम आई हैं सो जूनियर्स यही है कि पढ़ो ध्यान पढ़ो जो भी थोड़े टीचर्स पढ़ा के जान वो सू आफ्टर डिप्लोमा जो जॉब करोगे अपना काम करोगे तो बहुत फायदा देना एट प्रेजेंट 12 साल समाज इंजन जॉब की एज इंजीनियर फिर मैं अपना काम 2000 खोलिया इस टाइम मैं पैकेजिंग मशीन का जो मैं पढ़ाई की मेरे बहुत काम आ रही है तो वो मैं काम कर रहा तो गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स ए लॉट टू प्रिंसिपल साहब सॉरी साहब सरार जी